हुंडई ने आज अपनी नई वेन्यू को लॉन्च कर दिया। यह मिनी एसयूवी जिसे कि वह कॉम्पैक्ट एसयूवी कहते हैं, देखने में जितनी शानदार लग रही है प्राइसिंग भी उतनी अट्रैक्टिव है। आखिर कौन सा वेरिएंट अच्छा है और कौन सी कार बेहतर है और कार का एक्सटीरियर इंटीरियर कैसा है, ये जानना चाहते हो, बने रहिए मेरे साथ। मैं हूँ आपका होस्ट अमित और आप देख रहे हैं आस्क कार गुरु। वीडियो की शुरुआत करते हैं एक्सटीरियर से। आइए देखते हैं एक्सटीरियर देखने में कैसा है। फ्रंट की बात की जाए तो ऊपर आपको मिलते हैं LED टर्न इंडिकेटर्स, डेट टाइम रनिंग लाइट जो कि स्क्वायर शेप में है, एक्चुअल में रेक्टेंगुलर शेप में है, काफ़ी शानदार लगती है। यहीं पर आपको मिलती है मेन बीम, ये आपको लोअर बीम मिलती है और यहाँ मिल रहे हैं आपको फॉग लैम्प जो कि एक्चुअल में प्रोजेक्शन फॉग लैम्प है। ये सीट काफ़ी बेहतर लग रही है, नीचे से साइड से देखने में कार काफ़ी रोबस्ट फील हो रही है। हालांकि कार में कॉर्नरिंग लैम्प भी दे रखा गया है जो आपको कॉर्नरिंग लाइट देने में काफ़ी बेहतर रहेगा। फ्रंट की बात की जाए तो टिपिकल हुंडई फैमिली की ग्रिल दी गई है। जो ये डिज़ाइन एलिमेंट दिए गए हैं ये काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। हुंडई का लोगो पहली बार मैं इतनी बड़ी साइज में देख रहा हूँ जो शानदार भी लग रहा है देखने में। हाँ, डुअल स्टेज ग्रिल होना काफ़ी बेहतर है, मुझे ये डिज़ाइन एस्पेक्ट काफ़ी बेहतर लगा। और ब्लैक कलर रेड कलर में तो कुछ बात ही अलग है। आइए अब ध्यान रखते हैं इसकी साइड प्रोफाइल पर, साइड में देखने में कैसी है। साइड प्रोफाइल अच्छी है, कर्व्स दिए गए हैं, काफ़ी शार्प कर्व्स हैं, देखने में अच्छी लग रही है। व्हील आर्च भी अच्छा है, हालांकि यह थोड़ा सा स्क्वायरिश डिज़ाइन पे है। 16 इंच के डायमंड कट अलॉय व्हील्स दे रखे गए, 16 इंच की साइज़ है इसकी। आउटसाइड रियर व्यू मिरर में ही आपको टर्न इंडिकेटर्स दे रखे गए हैं, साइज़ भी काफ़ी बड़ा है, मुझे लगता है अच्छा आउटसाइड रियर व्यू भी आपको मिलेगा। डोर की बात की जाए, डोर में ही आपको सेंसर्स भी मिलता है और ये कंप्लीटेड होना काफ़ी बेहतर है। रूफ फील काफ़ी अच्छी है, ग्लास एरिया भी ठीक है जो काफ़ी अच्छा लग रहा है मेरे हिसाब से, काफ़ी रूमी फील कराएगा। साइड प्रोफाइल काफ़ी अच्छी लगती है, हालांकि कॉम्पैक्टनेस इसमें क्लियरली दिखती है जो इसकी मेन खास। अगर आप पीछे की तरफ आते हैं तो ये लाइटिंग वाला इसकी बात ही कुछ और है। ध्यान से देखिए, ये अलग अलग एलिमेंट्स काफ़ी बेहतर दिखते हैं। रियर साइड के लिए आपको यहाँ मिल जाएगा और जबकि इंडिकेटर्स आपको यहाँ पर देखे हैं। इधर आपको मिलती है टर्बो की ब्लेजिंग जो ये बताता है कि ये 1 लीटर टर्बो चार्ज इंजन है, और साथ ही आपको पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं। वेन्यू लिखने का जो स्टाइल है, इसने इस कार की डिज़ाइनिंग को लोगों को पहली नज़र में पसंद किया। जब हुंडई ने पहला टीज़र जारी किया था उसमें उन्होंने केवल ये हिस्सा दिखाया था जो लोगों को काफ़ी अपील कर रहा था। डिफॉगर्स, रियर वाइपर, शार्क फिन एंटीना भी देखा गया है और आपको मिलती है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसके भारतीय दीवाने हैं, सनरूफ। इत्तेफाक से इतनी कॉम्पैक्ट साइज में सनरूफ बहुत कम लोगों को देखने को मिलती है जो काफ़ी बेहतर रहेगा। हम इंडियंस को सनरूफ के थोड़ा ज़्यादा दीवाने हैं, उस हिसाब से काफ़ी अच्छा लगता है सनरूफ लोगों को। एक्सटीरियर देखने के बाद अब हम लोग चलते हैं इंटीरियर देखने, इंटीरियर देखते हैं कैसा है। और ये रही कार की चाबी, आइए मेरे साथ। यहाँ पर आपको मिल रहे हैं लेवलिंग डिवाइस, ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ के बटन, पुश स्टार्ट स्टॉप, कार इस समय स्टार्ट है। इधर आपको अनलॉक 220 तक का मीटर है, इधर 8000 RPM तक है। ये 1 लीटर टर्बो चार्ज पेट्रोल इंजन है, बीच में MID देखी गई है। इस साइड आपको मिल रहे हैं क्रूज के बटन और इस तरफ आपको मिलते हैं ऑडियो कंट्रोल्स, टेलीफोनिक कंट्रोल्स जो आप कार चलाते समय सबसे अधिक यूज करते हैं। ये है आपकी लाइटिंग के लिए, इस साइड वाइपर के स्विचेज हैं, नीचे आपको बोनेट खोलने के लिए है। इधर आपको मिलते हैं आउटसाइड रियर व्यू मिरर के एडजस्टमेंट स्विचेस, साथ ही पावर विंडो के स्विचेज। यहाँ मिलता है आपको आर्कमिडीज का साउंड सिस्टम जो काफ़ी बेहतरीन साउंड प्रोड्यूस करने के लिए मशहूर है। हालांकि अभी मैं इसे प्ले नहीं कर पाऊंगा, लेकिन आपको जब इसकी ड्राइव होगी तब आपको दिखाऊंगा। ड्राइव इसकी नेक्स्ट वीक है, तब हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। हाँ, आपको यहाँ पर छोटा सा लेदर का पैच दिख रहा है जो काफ़ी अच्छा है, अगर आप इस पर निगाह रखते हैं तो। ये प्लास्टिक क्वालिटी ठीक है, बहुत प्राइम सुप्रीम नहीं, लेकिन अच्छी लगती है। ये डोर खोलने के लिए काफ़ी बेहतर लग रहा है, एक बॉटल होल्डर है जो 1 लीटर की बॉटल के लिए काफ़ी बेहतर है मेरे हिसाब से, डिजाइनिंग काफ़ी बेहतर है। आइए अब उस साइड से देखते हैं कि वहाँ से कैसी लग रही है यह कार। फ्रंट की बात की जाए तो मुझे ये स्टीयरिंग व्हील का साइज काफ़ी अच्छा लग रहा है। 8 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है जो कि ब्लू लिंक टेक्नोलॉजी के साथ में। ब्लू लिंक टेक्नोलॉजी एक तरह की कनेक्टेड फीचर्स देता है जो इस कार को कनेक्टेड रखता है हुंडई के अपने सर्विस सेंटर्स के साथ,
और आपकी इमरजेंसी में यह काफी हेल्प करता है। कई चीजों को यह कनेक्टेड बना के रखता है। 33 नए कनेक्टिंग फीचर्स है इसमें और 10 तो एक्सक्लूसिव केवल इंडियंस के लिए है। अगर आप इसके बारे में और डिटेल से जानना चाहते हैं तो ऊपर बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। मैंने इसके ऊपर एक एक्सक्लूसिव वीडियो बनाया है जो आपको काफी बेहतर इन्फॉर्मेशन देगा किस तरह के फीचर्स हैं। अब आप सामने ध्यान से देखें तो ये सारे इसके बटन्स दिए गए हैं। इधर पावर के बटन है, ये आपको एसी के वेंट मिलते हैं जो काफी अच्छे लग रहे हैं, आप इसे टेस्टन भी कर सकते हैं। ये मुझे जो टेक्सचर है ये काफी अच्छा लगा है। हालांकि एयरबैग शायद यहाँ पे मौजूद है, लेकिन शायद एयरबैग इस साइड से ओपन होना चाहिए। ये छोटा सा स्पेस है छोटी मोटी चीजें रखने के लिए, फोन वगैरह। और अगर आप इसकी बात करें, हाँ ये कूल्ड ग्लो बॉक्स भी है। साइज बहुत बड़ा तो नहीं लग रहा, लेकिन ठीक है जिस हिसाब से डिजाइन किया गया है, एक बोतल तो आप इसमें आसानी से रख सकेंगे। एसी के वेंट बिल्कुल रोटरी स्टाइल के काफी अच्छे लग रहे हैं। हालांकि बीच में स्क्रीन दे रखी गई है जो इसमें डिटेल्स देती है कितना टेम्परेचर है एडजस्ट करना है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलती है। हाँ इसमें आपको डुअल जोन नहीं मिलता है, लेकिन एसी की परफॉर्मेंस अच्छी लग रही है अभी फिलहाल इन स्टेज पर मुझे देखने में। मैं एसी बंद कर रहा हूँ ताकि आपको आवाज़ सुनने को मिल सके। यहाँ पर आपको मिलते हैं चार्जिंग पोर्ट फास्ट चार्जिंग के लिए, इधर आपको एंड्रॉयड ऑटो का पोर्ट मिल जाता है। यहाँ पावर सॉकेट है आपके लिए 12 वोल्ट वाला, जिस पर कि उस समय चार्जिंग पोर्ट लगा हुआ है। यहीं पर आपको और डिटेल्स मिल जाती है चार्जिंग के लिए। ये वायरलेस चार्जिंग पैटर्न है जिस पर आप वायरलेस चार्जिंग कर सकते हैं। काश मैं आपको चार्जिंग करके दिखा सकता क्योंकि उसी मोबाइल से हम शूट कर रहे हैं। 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन सिस्टम है। ये आपका जो सेट है ये एयर प्योरीफायर का सेट है जिसका काम कार के भीतर की बदबू को दूर करना है। बहुत काम की चीज है, मुझे बहुत अच्छे से याद है। मेरे एक मिलने वाले थे जिनके साथ मैंने दो एक लंबे टूर किए 6 फुट कुछ इंच के, और गाड़ी में बैठ के मार देते थे एक आराम से, और फिर सब लोग परेशान होते थे, वो हमेशा मुकर जाते थे। ऐसे लोगों के लिए बहुत अच्छी डिवाइस है, कम से कम कार में बदबू तो नहीं मिलेगी आपको सुनने में। और रही बात सीट्स की, वाह क्या बात है, सीट काफ़ी कंफर्टेबल है, बोस्टिंग भी काफ़ी शानदार है साइड की भी, और मुझे ये टेक्सचर बड़ा अच्छा लगा। ध्यान से देखें अगर आप इस टेक्सचर को तो रियली काफ़ी अच्छा लगता है। हालांकि इसमें वेंटिलेटेड सीट्स नहीं दी है, लेकिन कोई बात नहीं, कार का एसी अच्छा लगा है तो मैं मानता हूँ कि कूलिंग में उतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। हालांकि कूलिंग वेंटिलेटेड सीट का अल्टरनेट नहीं होता, यहाँ पर आपको मिल रही है जिसके आप सब दीवाने हैं सनरूफ, और सनरूफ काफी बेहतर है। देखे हाँ, अब इसे बंद भी कर देता हूँ ताकि आप देख सकें। यहीं पर आपको SOS कनेक्टिंग फीचर्स ब्लू लिंक के मिल जाते हैं ताकि आपको पूरी इंफॉर्मेशन दी जा सके इसके बारे में। अब हम इसके बाद चलते हैं रियर सीट देखने के, रियर सीट में कितना स्पेस है। और ये सीट मेरे हिसाब से एडजस्टेड है। हाँ एक चीज़ मैं बताना भूल गया, टिल्ट एडजस्टेबल है, टेलीस्कोपिक का ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, ये थोड़ा सा मुझे खला। आइए पीछे की सीट देखते हैं वो कैसी है। ओ पीछे की सीट पर स्पेस काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे। मेरी हाइट 5'10" है और मेरे अलावा औरों की भी होगी 5'10", उसमें कोई ताजुब की बात नहीं, लेकिन उस हिसाब से यहाँ पर काफ़ी अच्छा। ओह किसी ने सीट भी खुली रखी है क्योंकि ये 60-40 सीट के ऑप्शन है। कप होल्डर्स दे रखे गए हैं जो काफ़ी बेहतर है। एडजस्टेबल हेडरेस्ट गुड जॉब, हालांकि बीच के पैसेंजर के लिए एडजस्टेबल हेडरेस्ट नहीं दिए। रियर आपको एसी वेंट मिलता है जिसे आप धीमा तेज कर सकते हैं कि एक्चुअल में ओपन ऑफ कर सकते हैं। नीचे आपको पावर सॉकेट दे रखा है, सीधे सीधे USB पोर्ट देते तो ज़रा अच्छा लगता है। सीटें ठीक है, अंडर थाई सपोर्ट भी ओके है, बहुत अच्छा नहीं लेकिन नॉट अ बैड, मुझे अच्छी लग रही सीटें, काफ़ी कंफर्टेबल लग रही हैं। हेडरूम भी ओके काफ़ी है, इतना काफ़ी हेडरूम है। हाँ ये आपको 6 एयरबैग भी प्रोवाइड करता है। कार में सेफ्टी के तौर पर ABS एयरबैग EBD ब्रेक असिस्ट पहली बार Hyundai ने दिया है। 6 एयरबैग आपको टॉप एंड वेंट मिलते हैं। आइसोफिक्स चाइल्ड एंकर सीट्स भी आपको इसमें दे रखी गई हैं जो काफ़ी बेहतर रहेगी इस कार की सेफ्टी के पॉइंट से। हाँ आपको इसमें हिल असिस्ट मिलता है, साथ ही आपको मिलता है इसमें इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम ट्रैक्शन कंट्रोल के साथ, यानी सेफ्टी भी काफ़ी बेहतर है। अब ध्यान रखते हैं बूट स्पेस पर कि वह कैसा है। आइए मेरे साथ बूट स्पेस भी हम देखते हैं। बूट स्पेस देखने में नीट एंड क्लीन है, हालांकि जो इंफॉर्मेशन दी गई है उसके हिसाब से 350 लीटर का बूट स्पेस है ये। नीचे आपको ओके 15 इंच का टायर दे रखा गया है,
अपोलो का, कोई बात नहीं, ये तो बिल्कुल नॉर्मल है। मुझे बूट स्पेस ठीक लगा है, हालांकि इसको ओपन करने के लिए कोई अलग से स्विचेस नहीं है, लेकिन जी हाँ, ये तो थी Hyundai की वेन्यू। आपको यह कार देखने में कैसी लगी? और इसकी प्राइसिंग स्टार्ट होती है 6,50,000 रुपीज से लेकर 11,10,000 रुपीज तक। उस हिसाब से आपको यह प्राइस कैसी लगी वह भी नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलिएगा। टोटल चार वेरिएंट में आना क्या इस कार के लिए प्लस पॉइंट है? 6,50,000 से स्टार्टिंग, क्या यह कई हैचबैक को परेशान करेगी? नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलिए। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन दबाइए, नहीं अच्छा लगा हो डिसलाइक का बटन दबाइए। मेरी मेहनत इग्नोर मत कीजिए, लाइक कर दो, अच्छा लगेगा। मैं अमित अपने प्रोग्राम में न्यूज, रिव्यूज, नई नई कारों के बारे में इन्फॉर्मेशन और भी ऐसी जानकारियां आपके साथ शेयर किया करता हूं। बेहतरीन वीडियो देखना चाहते हैं, मेरे वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बगल में दी हुई नोटिफिकेशन बेल को पुश करना ना भूलिए। मुलाकात होगी हमारी और आपकी अगले वीडियो में। देखते रहिए आज कार्गो, और एक बार वेन्यू को भरपूर निगाह से देखना ना भूलिए।